सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा मैं, देख रहे हो आप, कंट्रोल सेंटर कैसे चेंज कर सकते हो किसी भी अपने इन्फिनिक्स के डिवाइस का। सो कंट्रोल सेंटर चेंज करने के बारे में बताऊंगा, नोटिफिकेशन बार अपना पूरा चेंज कर सकते हो पुराने नोटिफिकेशन बार से अगर बोर हो चुके हो तो। सो दोस्तों, इसको करने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना फटाफट से और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है वीडियो को, और चैनल पर गए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है दोस्तों। ये एक एप्लीकेशन की मदद से होगा। सो देखिए, यहाँ बेसिकली मेरा डिवाइस का नाम वगैरह देख सकते हो, ये इन्फिनिक्स का 4+ है। यहाँ पर इसका वर्जन वगैरह भी देख सकते हो, ये कंट्रोल सेंटर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये मैंने पूरा चेंज कर दिया है, एप्पल आईफोन की तरह कर दिया है। ऐसा आप भी कर सकते हैं एक एप्लीकेशन की सहायता से। सो मैं उस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके और यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगा। सो वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, ठीक है दोस्त। सो चलते हैं अपने प्ले स्टोर पर और यहाँ पर सर्च करते हैं हम iOS करके। यहाँ पर इसको करना है आपको iOS, ऊपर से नोटिफिकेशन बार, यहाँ आपको सबसे फर्स्ट में जो सॉफ्टवेयर दिखता है उसको आपको अप्लाई करना है, यानी कि डाउनलोड करना है। इसकी रेटिंग है 4.3 और ये करीब 4.5-5 MB का एप्लीकेशन है। इसको आपको डाउनलोड करना है, अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है और इसको ओपन करना है, यानी कि यूज़ करना है। उसके बाद में ये जितनी भी एसेंसिबिलिटी मांगता है आपसे, 2 मांगेगा, उसको ऑन कर देना। उसके बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा और ऊपर रनिंग का एक ऑप्शन आएगा, उसको आपको रनिंग पर ऑन रहना है, तब आपका आप वर्केबल रहेगा। अगर ऑफ होगा तो आपका ये डिफ़ॉल्ट वाला जो नोटिफिकेशन वार है वो हो जाएगा, जैसे अभी आप देख पा रहे हो। अगर हम इसको ऑन करते हैं और जस्ट बाद देखेंगे, देखिए अभी ये ऑन हो गया, और इसके बाद में देखेंगे आप नोटिफिकेशन बार ऊपर से नीचे करके, तो ये पूरा चेंज है और ये पूरा अच्छा वर्केबल है, यानी कि इसके हर टूल वर्क करता है। सो इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हो सिंपल तरीके से अपने फ़ोन के अंदर। ये बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है हमारे नोटिफिकेशन बार को चेंज करने का, इन्फिनिक्स के किसी भी डिवाइस के अंदर आप ऐसा कुछ कर सकते हो, कोई भी डिवाइस हो। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, और अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।